रात को हम डिनर से वापस आ रहे थे तो मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा था, वही जिसका तुम वर्दा क्या कह के गई थी। कौन था वो? न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। खाना नीचे खाओगी या रूम में भेजू? सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई हो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, तुम्हारे पापा से पूछ के। लेकिन मैंने तो आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। हाँ, लेकिन बच्चे फरमाइश ना भी करें तब भी माँ बाप को उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपको हम इस घर में अपने डैड के लिए लेकर आए ना, तो बेटर ये होगा ये चापलूसियां सारी उनके आगे करें जिसपे इफेक्ट होता है, नॉट हियर। रात से एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे, मौका नहीं मिल रहा था। जब रात को हम डिनर से वापस आ रहे थे तो मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा था, वही जिसका तुम वर्दा क्या कह के गई थी। कौन था वो? किस किस्म के घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे? देखो, अगर तुम उस लड़के को पसंद करती हो तुम ये बात मुझसे शेयर कर सकती हो। जस्ट शट अप, एक और वर्ड नहीं सुनूंगी मैं भी, एक और वर्ड। देखो शान सर, तुम्हारे पापा पहले ही बीमारी से उठे हैं, अगर ऐसी उन्हें मजीद टेंशन दोगी मुझे नहीं लगता कि वो उसको सह पाएंगे। जो बात सच है वो सबके सामने ले आओ, ये सबके लिए बेहतर होगा। खाना ठंडा हो रहा है, खा लेना।